कॉमनली हम उन्हें क्या कहते हैं सेगमेंटेड आर सेगमेंटेड ऐसे हैं जिन्हें है, या, या समझने में इस फाइलम को आपकी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी इसी सेशन में आप करके जाएंगे इसे लर्न आखिरी तक रुके रहना है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी आखिरी में मैं आपको बताकर जाऊंगी इस सेशन के लिए ये सारे सेशन आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन

तो सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन यानी हर एक टॉपिक के लिए आपको मिलता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलता है आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे जब सेशन के तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी लिंक पर क्लिक करिए और पीडीएफ के फॉर्म में डीपीपी करिए डाउनलोड इस में कुछ होते हैं जो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और फिर आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आपके जो भी, है, को लेकर वो भी हो जाते हैं सॉल्व देन वी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ढेर सारे मल्टीपल

जो रिप्लाई है जो आंसर है जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है एंड वी हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं एंड दी दी गाइडेंस गाइडेंस सेशन आर लाइफ ट्रस्ट मी ये है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जहां पर आप पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी बातें बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं जैसे कि टाइम टेबल कैसे बनाना है थ्री सिक्सटी मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो एनसीआर टी बुक्स को कैसे पढ़ना है बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाए जो भी मिथ्स हैं वो आपके बर्स्ट हो जाते हैं नीट को लेकर क्लास ट्वेल्थ के बाद और क्या ऑप्शन है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए टॉप टेन कॉलेजेस कौन से हैं ये सारी चीजें आपको गाइडेंस सेशन में मिलती है अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मिलता है कोई भी अगर एनटीए का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है तो वो आपको खुद ब खुद मिल जाता है बस चैनल को किए रहना सब्सक्राइब ऑल्सो इधर आपको ये भी मिलता है जो भी शॉर्ट uh, ट्रिक्स होती हैं जो भी मोटिवेशनल थिंग्स होती हैं जो आपको uh, मतलब लगाए रखती हैं इस, इस uh, पढ़ाई के लिए वो भी आपको चीज़ें मिलती हैं गाइडेंस सेशन में एंड वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिविजन एंड दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास होता है एनसीआरटी हाईलाइट समरी सेशन जहाँ पर हम हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद पढ़ने के बाद टॉपिक्स पढ़ने के बाद NCRT की समरी को लाइन बाय लाइन रीड करके उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं यही सेशन में सो दिस एंटायर थिंग इज आर नीट कोर्स मॉड्यूल जिसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हैं आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आइए और आपको बताती हूँ एनलीडा के बारे में तो एनलिडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हर बार की तरह हम एनलीडा के ऑर्गेनिजम्स की कुछ बेसिक फीचर्स और बातें डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एनलिडा एनिलीडा अगर आप वर्ड देखो तो ये वर्ड कहां से आया है तो एनिलीडा वर्ड आता है एक पर्टिकुलर वर्ड से और वो वर्ड है एन्यूलस एन्यूलस का मतलब होता है रिंग रिंग ठीक है तो रिंग क्यों क्यों हम अपन एनिलस वर्ड यूज कर रहे हैं क्या मतलब है क्या सिग्निफिकेंस है क्या यूज है इस रिंग का देखो जो एनोलीडा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं वो भी रिंग के फॉर्म में सेगमेंट्स होते हैं जैसे आपने अर्थवर्म देखा है आप अगर अर्थवर्म को देखोगे या आप लीच को देखोगे या एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल इस क्लास का इस फाइलम का जो है वो है नेरीज आप उसे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा उनकी बॉडी कुछ ऐसी होगी ऐसी बॉडी होगी ठीक है और इस बॉडी में उनके पास रिंग्स ही रिंग्स होंगे इस तरीके से दे आर गोइंग टू है तो उनकी बॉडी में जैसे को आपने देखा है तो अर्थवर्म की बॉडी में आपको रिंग्स देखने को मिलती है ऐसे अर्थवर्म में स्पेसिफिकली ऐसा होता है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है ठीक है और पूरी बॉडी में रिंग्स है ऐसी बॉडी है और रिंग्स तो प्रेजेंट है इस तरीके से लेकिन इन रिंग्स का ऐसा नहीं है कि यार ऊपर से देखने में ही बस आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं ये जैसे बाहर से सेगमेंटेड होती हैं वैसे ही अंदर से भी सेगमेंटेड होती हैं आप अगर इनकी बॉडी को कट ओपन करोगे अगर बॉडी को इसकी ओपन करोगे तो आपको अलग अलग सेगमेंट आप निकाल सकते हो अगर आप इसे कट ओपन करो तो आप ये सेगमेंट अलग निकाल सकते हो ये सेगमेंट अलग निकाल सकते हो ये सेगमेंट अलग निकाल सकते हो तो दीज आर दी वर्म्स विच हैव सेगमेंटेड बॉडी इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट्स दे हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल

उस स्ट्रक्चर में अलग अलग ब्रेड्स हैं ऐसे अलग अलग ब्रेड है ना तो जब आप इसे निकालोगे जब आप इस ब्रेड को निकालोगे इसमें से तो आपको पूरा एक पार्ट ऐसा मिलेगा फिर दूसरा पार्ट ऐसा मिलेगा तो मतलब बाहर से देखने में बस नहीं लग रहा है कि वो उसमें पार्ट होंगे या सेगमेंट्स होंगे जब आपने उसे निकाला तो सारे एक जैसे सेगमेंट्स है इसी तरीके से इनकी बॉडी में एनिलिक्स की बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली जो ना कि सिर्फ बाहर से देखने में सेगमेंट सेगमेंट लग रहा है पर जब बॉडी को कट करी तो देखा ये पाया गया कि हर एक सेगमेंट जुड़कर बॉडी बनी थी तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये जो सेगमेंट्स होते हैं इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं ऐसी बॉडी में हम सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामियर्स दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स

एनोलिस से नाम पड़ा एनेलिडा क्योंकि का का मतलब है ring, जब जब देखी निकाली गई तो 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 और अलग-अलग अलग-अलग थे हर बार कुछ repetition होता था organs का, इन segments के बीच में एक-एक एक-एक तो अब इनको जब हमने देखा तो segments हमारे टेक्निकली क्या कहलाते हैं मेटामियर्स कहलाते हैं और क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटामियर्स की तो इस फिन को इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामेट शो सेगमेंटेड body. Each segment is different. All right. दूसरी बात ये अपने जब जब इनका डेवलपमेंट हुआ है ना जब इम्रोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ होगा तब से ही इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है दैट इज दी मेन रीजन जिसकी वजह से हम इसे मेटामेरिज्म में कंसिडर कर रहे हैं ठीक है अब बात आती है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं तो अगर आप इनका हैबिटाट देखोगे हैबिटाट देखोगे तो ये तीन तरीके का हैबिटाट शो करते हैं तीन तरीके का हैबिटाट यानी ये पानी में मिलेंगे ये लैंड पर मिलेंगे टेरेस्ट्रियल हैं और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं इजी तो दे आर फाउंड दे आर एक्वाटिक ये एक्वाटिक भी हैं एक्वाटिक होने के साथ-साथ ये टेरेस्ट्रियल भी हैं ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और ये पैरासाइट्स भी हैं पैरासाइट्स भी हैं ये ठीक है अब एक्वेटिक यानी मैम कौन से पानी में पाए जाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी समुद्री पानी में भी मिलेंगे ठीक है सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर एज़ वेल एज़ इन मरीन वाटर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में मिलेंगे तो ये तो हो गया इनका हैबिटेट ठीक है ऐसे ये पाए जाते हैं और बेसिक फीचर जो आपको कभी नहीं भूलना है वो मैंने आपको सबसे पहली लाइन में बताया एनुलस है रिंग्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, है बचपन से पैदा होने के पहले से सेगमेंट था इसलिए सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामियर प्रोसेस को कहते हैं मेटामेरिज्म कहाँ पाए जाते हैं पानी के अंदर दोनों तरह के पानी में पाए जाते हैं चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन वाटर हो और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं लैंड पर भी रहते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पैरासाइट में आ जाती है लीच जब पिछले फाइल में हमने देखा था कि यार जो वर्म्स होते हैं वो एलिफेंटियासिस करा देते हैं और एलिफेंटियासिस हाथी पांव जो होता है उसमें बहुत सारा लिम्फ आपके पैर में इकट्ठा हो जाता है अब वो लिम्फ अपने आप तो ड्रेन नहीं हो रहा अपने आप निकल नहीं रहा पैर क्या होता है जा रहा है सूजता जा रहा है स्वेलिंग आती जा रही है तो वहां पर ये जो पैरासाइट होते हैं एनिलिडा फाइलम के जैसे कि लीच उस लीच को यूज किया जाता है तो लीच क्या करती है पैर के ऊपर चिपक जाती है उसके पास होते हैं अभी अपन आगे पढ़ेंगे वो चिपक जाती है और पूरा लिम्फ खींच लेती है है ना पूरा ब्लड के साथ लिम्फ खींच लेती है तो वो जो स्वेलिंग आई थी वो रिड्यूस हो जाती है बार बार लीच की थेरेपी देनी पड़ती है ऐसे लोगों को ताकि उनका जो लिम्फ है वो ड्रेन हो जाए तो ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं पैरासाइटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल पे जाओगे अर्थवम अभी बारिश के सीजन में आप देख लो कभी भी कभी भी बारिश के सीजन में देखना कभी आपके गार्डन में कभी घर में निकल आते हैं कभी वॉशरूम में निकल आते हैं जहां पर भी थोड़ा सा थोड़ा नमी वाला एरिया होता है वहां से लैंड पर आपको क्या दिखने लगते हैं अर्थवम दिखने लगते हैं नेरीज पर जाओगे तो वो मिल जाएगी आगमिटी अब ये जो है ये सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं यानी में जो इस टाइप का हैबिटेट शो करते हैं ठीक है सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अब ट की बात तो हो गई लेकिन इनकी जनरल बॉडी फीचर्स की बात भी करो तो जनरल बॉडी फीचर्स में जनरल बॉडी फीचर्स में हम क्या क्या बातें करते हैं देखो जनरल बॉडी फीचर्स में हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी भी फाइलम को जब हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं ना कौन सी वाली हम देखते हैं कि भाई सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं है ठीक है फिर हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ठीक है इसके बाद और हम क्या देखते हैं बॉडी प्लान कैसा है बॉडी प्लान भी तो देखते हैं कि किस टाइप का बॉडी प्लान है और हम क्या देखते हैं मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूं ठीक है बॉडी प्लान के बाद हम क्या देखते हैं पांच चीजें हमारे पास सिमेट्री सो वी सी दी सिमेट्री सिमेट्री भी देखते हैं हम ठीक है सीलोम हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया बॉडी प्लान हो गया सिमेट्री हो गया एक तो मैं हमेशा भूल जाती हूं कौन सा है सीलोम है सिमेट्री है 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 सिमेट्री बॉडी प्लान लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो चलो पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं मुझे लिखते लिखते ध्यान आ जाएगा एक कैरेक्टर मैं हमेशा स्किप कर जाती हूँ देखो सीलोम तो कैसी बॉडी वॉल है इनकी ये है ट्रू सिलोमेट ट्रू सीलोमेट का मतलब होता है अगर मैं इस इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखूं तो इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है कैसी दिखेगी यहाँ पर माउथ एलिमेंट्री कैनाल गई यहां पर एनस ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसी है दो ओपनिंग है लेकिन इसकी बॉडी को जब आप देखोगे तो आपको दिख रही है बाहर ये वाली क्या है बॉडी वॉल बॉडी वॉल अंदर ये क्या है एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है अब

एलिमेंट्री कैनाल एंडोडम ने बना दी और एक्टोडम और एंडोडम दोनों से थोड़ी थोड़ी मीजोडम चिपकी हुई है और बीच में सीलोम प्रेजेंट है तो ऐसे सीलोम को ये ये सीलोम कौन सा कहलाता है ट्रू सीलोम ये ट्रू सीलोम कहलाता है सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रू सीलोमेट सो दीज आर सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स ठीक है आगे बढ़ो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है तो यहां पर आपको ऑर्गन देखने को मिलते हैं तो ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बॉडी प्लान कैसा है एक ट्यूब बाहर से दिख रहा है बॉडी वॉल एक ट्यूब अंदर दिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल अब इस ट्यूब में माउथ की ओपनिंग अलग है एनस की ओपनिंग अलग है पिछले फाइलम से ही दिखने लग गया था तो यहां पर बॉडी प्लान कैसा होगा बॉडी प्लान होगा ट्यूब विद इन ट्यूब एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब इसके अंदर है सो दिस इज अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ट्यूब के अंदर ट्यूब है सो दिस इज अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ठीक है इसके बाद सिमेट्री कैसी होती है अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को कट करोगे तो आपको मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री बायलेट्रल सिमेट्री का मतलब है बायलेट्रल सिमेट्री का मतलब है अगर इस ऑर्गेनिजम को कोई एक एक्सेस ऐसी होगी जहां से कट करने पर इस ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल पार्ट आपको मिल जाएंगे सो इट शोज बाइलेट्रल बायलेटरल सिमेट्री ठीक है बायलेटरल सिमेट्री हो गई सिलोन देख लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया बॉडी प्लान देख लिया सिमेट्री देख ली है ना कुछ और रह गया है क्या चलो अभी इतना पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे अगर हम हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट से भी पहले अगर हम स्पीशीज की बात करें सो दे हैव अराउंड कम से कम इनके पास होती हैं नाइन थाउजेंड तक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एनेलिडा के अकेले के अंदर सेगमेंटेड वर्म्स जो कहलाते हैं उनमें नाइन थाउजेंड तक स्पीशीज होती हैं अच्छा जब भी मैं बोलूँ ना सेगमेंटेड वर्म तो याद रखना ये सेगमेंटेड वर्म इनका कॉमन नेम है तो कॉमन नेम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कॉमन नेम को याद रखना है Analysts को कॉमनली क्या क्या कहते है? कहते हैं हैं सेगमेंटेड वर्म और लगभग 9000 तक की स्पीशीज सोचो बहुत सारे हैं फिर अगर आप इनका हैबिटार्ट देखोगे हैबिट्स और हैबिटार्ट देखोगे तो ये एक्वेटिक होते हैं तो मैंने आपसे कहा एक्वेटिक में ये मराइन भी हो सकते हैं फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं मरीन नेरिज जो है वो मराइन मराइन ऑर्गेनिज्म है और ये नेरीज जहाँ से आपको मिल जाए ना बस वहीं से याद करना शुरू कर देना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू दिस एग्जाम्पल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको इसकी बॉडी की सारी बातें बताऊंगी ठीक है लेकिन अभी से याद कर लो जो नेरीज है वो वाटर में पाई जाती है इसके बाद अर्थवर्म को देखोगे तो वो टेरेस्ट्रियल है सबने देखा है एंड हिरिडिनेरिया एरिया इज फ्रेश वाटर एनलिट हिरुड एरिया जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है ज्यादातर ये होते हैं फ्री लिविंग और कुछ होते हैं पैरासिटिक भी कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी होते हैं बट ज़्यादातर फ्री लिविंग है फ्री लिविंग कैसे हैं देखो पानी में रह रहे हैं फ्रेश वाटर में रहें या मराइन वाटर में रहें या टेरेस्ट्रियली लैंड पर रहें तो ये क्या है ये है फ्री लिविंग लेकिन बॉडी में आके रहने लगे बॉडी से चिपक के रहने लगे तो पैरासाइट अब पैरासाइट एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट दो टाइप के होते थे तो इट कैन बी पैरासाइट ऑल्सो ठीक है आगे बढ़ते हैं पहले इतना लिख लो लिख लिया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन नेम कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी दैट दे आर सेगमेंटल वर्म्स वर्म्स और सेगमेंटेड कहते हैं इनको ठीक है ये आप जानते हो अगर बॉडी सिमेट्री की बात करो तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ बायलेटरल सिमेट्री कैसी सिमेट्री है बायलेटरल कोई एक प्लेन से इन्हें आप कट करोगे तो ये टू इक्वल हाफ्स में आपको मिल जाएंगे टू इक्वल हाफ्स में आपको मिल जाएंगे तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनकी बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं तो मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ पिछले फाइल से ही हमारे ऑर्गन्स हमें मिलने लगे थे तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है लिख लिया इतना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है जर्म लेयर देखो मैं वहां पर जो मिस कर रही थी इट वॉज अ जर्म लेयर तो देखो लेयर में आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है अगर आपको सीलोम पता है ना कि ये सीलोमेट है, तो आपको दिख रही है कि ये जो कैनाल है ये किससे बनी है एक्टोडर्म से बनी है से बनी है. से बनी है और अंदर वाली जो एलिमेंट्री कैनाल है ये किससे बनी है एंडोडर्म से और बीच में ये क्या है बीच में है ये मीजोडर्म तो अगर इसके पास ट्रू सीलोम है अगर सचमुच की बॉडी कैविटी है तो तीनों लेयर देखी गई बॉडी वॉल एक्टोडम एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म और दोनों से चिपकी हुई मीजोडर्म तो एक्टोडर्म मीजोडम एंडोडर्म तीनों जहां मिल जाए उसको कहते हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक बॉडी वॉल क्या बोलते हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स ठीक है सो इट इज जर्म लेयर में आपको तीनों जर्म लेयर दिख रही हैं। सो दीज़ आर ट्रिपलो ब्लास्टिक कैसे होते हैं ट्रिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ठीक है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं चलिए आगे देखते हैं तो देखो जर्म लेयर में ये है ट्रिप्लो ब्लास्टिक ठीक है आपको पता है तीनों लेयर्स मिल रही आई राइट इट फॉर यू यहाँ पर आपको मिलती है एक्टोडम यहाँ पर आपको मिलती है मीजोडम और यहां पर आपको मिलती है एंडोडम भी ठीक है अच्छा एक बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ अगर आपने ये जो मैं फ़ाइलम्स पढ़ा रही हूँ ये वाले सेशंस आपने देखे हैं लेकिन आपने मेरे एनिमल फाइलोजनी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स नहीं देखे जहां पर मैंने आपको एक एक करके फीचर्स समझाए हैं जिन फीचर्स के आधार पर जिन फीचर्स के बेसिस पर ये पूरी फाइलम्स को डिवाइड किया गया अगर आपने वो फीचर्स नहीं देखे हैं तो आपको वो जाके जरूर देखना चाहिए वहां मैंने आपको पढ़ाया है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा कैसा होता है सिलोम क्या है सिमेट्री क्या है सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिज्म क्या है जर्म लेयर्स क्या होती हैं डेवलपमेंट कैसा होता है रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उन सेशन को जाकर जरूर 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 देखना आपकी पूरी इलेवेंथ तो पूरी ट्वेल्थ की नीट बायोलॉजी में वो बहुत काम आने वाला एक टॉपिक है उस टॉपिक के चार पांच वीडियोस हैं उन वीडियोस को जरूर देखना तो आपको ये सारी चीजें टिप्स पे याद हो जाएंगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रिप्लो मतलब अच्छा तीन लेयर बॉडी वॉल मतलब बीच में पैच ट्रू सिलोम मतलब वहां कैसे अटैच होगी लाइनिंग के साथ और इनर लाइनिंग के साथ ये ऐसे याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर आपने वो सेशन देख लिए तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सेशन को जरूर जाके देखो और वापस आके फाइलम्स देखो आपको मजा आ जाएगा सब चीज समझ में आएंगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया अगर आप सेगमेंटेशन की बात करो तो यस इनकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं आप अगर लीच को भी ध्यान से देखोगे तो लीच की बॉडी में भी आपको ऐसे ऐसे ये सेगमेंट्स दिख रहे हैं

द फर्स्ट एनिमल टू पोजेस ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब क्या है अगर कभी आपको ये सेगमेंटेशन भी ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन लिखा है तो आपको पता है ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन जब लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि भाई जन्म लिया होगा जब इस ऑर्गेनिजम ने तब से तब से इसके एम्ब्रियोनिकल स्टेट से इसके पास सेगमेंट्स हैं और ये सेगमेंट्स जो हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के ही हैं खाने का कुछ काम नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है वहां पर जो दिख रहा है वो अंदर भी है यानी बाहर से आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं तो जब आप बॉडी कट करोगे तो आपको एक एक सेगमेंट अलग मिलेगा सो दे हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ठीक है नोट्स में क्या क्या लिखना है जो मैंने लिखा है वही लिखना अभी रुक जाओ पहले समझ लो बॉडी सेगमेंट आर कॉल्ड एज मेटामियर्स और ये जो हम सेगमेंट बोल रहे हैं ना इन सेगमेंट्स को ही हम सेगमेंट को ही हम टेक्निकली क्या कहते हैं मेटामियर्स कहते हैं

नेक्स्ट है हमारे पास इनका बॉडी कैसा है ये चलते कैसे है, कैसे हैं इनका डाइजेशन होता है तो अब हम वो फीचर्स देखेंगे अलग से कि क्या-क्या इनके बॉडी में हो रहा है तो पहले तो देख लो क्या जनरल फीचर्स हम हमेशा से पढ़ते आए हैं उनको लिख लेते हैं पहले नंबर पे हम देखेंगे कि इनका डाइजेशन कैसे हो रहा है डाइजेशन कैसे हो रहा है अब देखो ये वो फीचर्स हैं जो हम हर फाइलम के ऑर्गेनिज्म के लिए पढ़ते ही हैं डाइजेशन कैसे हुआ सर्कुलेशन कैसे हुआ नर्वस सिस्टम कैसा था रिप्रोडक्शन कैसे किया एक्सक्रीशन कैसे किया रेस्पिरेशन कैसे किया सारी चीजें हम हमेशा से पढ़ते हैं ठीक है तो हम पहले डाइजेशन देखेंगे डाइजेशन के बाद हम देखेंगे इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के बाद हम देखेंगे कि भाई खाना खा लिया है ब्रीथ कर लिया है तो अब आप हमें बताओ कि आप एक्सक्रीशन कैसे करोगे तो हम देखेंगे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन इस फाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पे ठीक है एक्सक्रीशन के बाद हम क्या देखेंगे सर्क्यूलेटरी सिस्टम सर्क्यूलेटरी सिस्टम ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम देखेंगे इनका नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम ठीक है तो एक्सक्रीशन हो गया इसको मैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम कर देती हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो डाइजेशन कैसे हुआ रेस्पिरेशन कैसे हुआ एक्सक्रीशन कैसे हुआ सर्कुलेशन कैसे हुआ नर्वस नर्वस टिश्यू क्या था इसके पास है ना तो देखो अब अच्छा अगर मैं इसमें सिस्टम लिख दूं तो यार मुझे गलत लग रहा है वैसे क्यों क्योंकि इसके पास तो ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है फिर अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था ना आ रहा था कि नहीं आ रहा था आ रहा था तो फिर बताया क्यों नहीं बताते नहीं हो यार आप लोग ठीक है डाइजेशन ही रहने देते हैं इसको क्योंकि सिस्टम्स नहीं है इनके पास ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना रेस्पिरेशन रहने देते हैं एक्सक्रीशन रहने देते हैं और सर्कुलेशन रहने देते हैं और नर्वस सिस्टम के लिए भाई देख लेंगे क्योंकि भाई इसमें क्या इसके पास प्रेजेंट है वो थोड़ा अपन देख लेंगे ठीक है तो चलिए ये कुछ हेडिंग्स है लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट और बचता है और वो पॉइंट क्या है इट इज द रिप्रोडक्शन इट इज द रिप्रोडक्शन और इस रिप्रोडक्शन में इन ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी तो जब हम इन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं चाहे वो किसी भी फाइलम का ऑर्गेनिज्म हो तो हम कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं मैं अब आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ जो आपको सारे फाइलम्स में यूज होगी ध्यान से सुनना उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे ठीक है और वो ट्रिक ये है कि जब भी आप किसी फाइलम को पढ़ें तो आपके पास कुछ एक चार्ट होता है जिसके बेसिस पर आपको ये फाइलम्स पढ़नी होती है और आप ऐसा भी कर सकते हो एक बड़ा चार्ट पेपर ले लो और उसमें आप इन सब सिस्टम्स को मेंशन कर दो ऊपर फाइलम्स को मेंशन कर दो और बस सिस्टम में जो जो है उसका नाम लिखो जो नहीं है उसका नाम मत लिखो ऐसा भी कर सकते हो तो आपको क्या-क्या मेंशन करना पड़ेगा ध्यान से सुनना पहले नंबर पर जनरल बातों में आता है आई है हैबिटाट हैबिटाट के बाद आता है बॉडी प्लान सीलोम सिमेट्री जर्म लेयर और बॉडी प्लान लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ये, ये प्रेजेंट है, है अगर तो और उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और वो है इन ऑर्गेनिजम्स का वो है इन ऑर्गेनिजम्स का मैं यहां पर लिख देती हूँ क्योंकि इस पर मुझे बहुत सारी जगह चाहिए तो वो है इन ऑर्गेनिजम्स का लोको मोशन लोको मोशन तो ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछेंगे वो एक्सक्रीशन पर एने के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है और लोकोमोशन जो होता है एने का उस, उस, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है हालांकि पूरे में से दो या तीन क्वेश्चन ही आते हैं इस पूरे एनिमल किंगडम में से लेकिन फिर भी वो दो या तीन क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट अब वो इसमें से भी हो सकता है ठीक है हो सकता है एक्सक्रीशन पूछ ले बहुत ईजी है या फिर लोकोमोशन पूछ ले फटाफट से पहले इन हेडिंग्स को अपने कॉपी में नोट कर लो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ओके okay. तो अब हम सबसे पहले देखेंगे डाइजेशन डाइजेशन कैसे होता है डाइजेशन इनके पास होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी माउथ और प्रेजेंट है सो दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकंप्लीट नहीं है ठीक है कंप्लीट है जैसे अगर ये अर्थवर्म की बॉडी है तो की बॉडी में इसकी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट कैसे रही होगी? ऐसे रही होगी? होगी। ऐसे माउथ रहा होगा और पर होता है तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं रेस्पिरेशन अर्थवर्म वगैरह में कैसे होता है क्यूटेनियस होता है यानी कि स्किन से होता है सो हैव क्यूटेनियस रेस्पिरेशन गैश्रियस एक्सचेंज स्किन से हो जाएगा ठीक है तो क्यूटेनियस बोलते हैं क्यूटा का मतलब होता है स्किन ठीक इसके बाद एक्सक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन के लिए इसके पास एक अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नेफ्रीडियम तो इनके पास नेफ्रीडियम होता है नेफ्रीडियम होता है जो एक्सक्रीशन का, का काम करता है एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन तो ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है दो फंक्शन परफॉर्म करता है एक्सक्रीशन भी एक्सक्रीशन भी और ऑस्मो रेग्यूलेशन वेल ऑस्मो ऑस्मोरेगुलेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं देखो वन mm. मिनट हाँ इस अर्थवर्म की बॉडी में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर कुछ ऐसा रिबिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पर ये रिबिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में दिस इज नेफ्रीडियम ये नेफ्रीडियम है तो नेफ्रीडियम क्या करता है देखो अलग अलग टाइप के सेल्स हर एक में प्रेजेंट थे है ना फ्लेम सेल्स देखा हमने एच शेप्ड रेनेट सेल्स देखे ये सब एक्सक्रीटरी सेल हैं अलग अलग फाइलम के प्रीवियस दो फाइलम के बारे में बता रही हूँ और यहाँ पर इस फाइलम में एनालिज में क्या होता है सेल जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो तो वो है नेफ्रीडियम नेफ्रीडियम कहा प्रेजेंट होगा क्या करेगा कैसे करेगा ये सब कुछ हम प्रॉपरली अर्थवर्म का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे अभी हम ऑल टुगेदर पूरी फाइलम को पढ़ रहे हैं तो जनरल पढ़ रहे हैं अर्थवर्म मैं आपको बहुत डिटेल में अलग से अलग सेशन में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट है सर्क्यूलेशन कैसा होता है सो दे हैव क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम कभी भी इनका ब्लड जो है वो निकल करके इनकी बॉडी में बाहर नहीं आता हमेशा ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है सो दे हैव क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम अगेन वही बात है मेरे प्रीवियस सेशंस को जरूर देखना है फाइलम्स को अगर अच्छे से समझना है तो कि क्या क्या फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर हमने डिफाइन की है फाइलम तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा यहां मैं इतना बताना चाहती हूं कि ब्लड हमेशा इनमें ब्लड वेसल में ही फ्लो करेगा एंड येस दे आर गोइंग टू हैव ब्लड इनके पास होगा ब्लड ब्लड में होंगे पिगमेंस जैसे हीमोग्लोबिन और हार्ट होगा तो हार्ट जो है वो अर्थवम में कैसा होता है फोर चेम्बर्ड फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है अर्थवर्म में डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने नर्वस सिस्टम पे जाओगे तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है ठीक है सो दे हैव डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड ठीक है क्या रहेगा इनकी बॉडी में कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन गैंग्लिया रहेंगे ठीक ऐसे अटैच रहेंगे सो दे आर गोइंग टू हैव लाइक डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रीवियसली पिछले फाइनल में भी बताया था रिप्रोडक्शन पर आओ तो हमेशा आपको मिलेगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे आप एनसीआर दिए दी गए दिए गए तीन एग्जाम्पल्स को अगर देखो तो एनसीआरटी ने तीन एग्जाम्पल मेंशन किए हैं इस फाइलम के लिए ठीक है मैं उसे अलग से लिखती हूं एनसीआरटी ने तीन एग्जाम्पल मेंशन किए हैं मैं उन एग्जाम्पल के नाम यहां पर लिख रही हूं एनसीआरटी ने बात करी है अर्थवम की एनसीआरटी ने बात करी है नेरीस की एनसीआरटी ने बात करी है अर्थवर्म नेरी के साथ साथ लीच की तो ये तीन एग्जाम्पल एनसीआर में है, तो इन इन तीन को सामने रखकर ही हम पूरा फाइलम डिस्कस करेंगे इन तीनों ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखो तो उसमें से अर्थवर्म और लीच हम पहले चैप्टर में पढ़ लेते हैं जहां पर भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है और हर्माफ्रोडाइट नाम आ जाता है तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा लिखते हैं हम अर्थवर्म और लीच लिखते हैं यानी अर्थवम और लीच एक ही फाइलम के ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो नेचर में कैसे हैं हर्माफ्रोडाइट यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म लेकिन इसमें से अर्थवर्म अर्थवर्म और लीच अर्थवर्म और लीच दोनों ही कैसे हैं हर्माफ्रोडाइट हैं हर्माफ्रोडाइट ठीक है लेकिन बचा हुआ नेरीज जो है वो इनसे अलग है नेरीज इनके साथ शामिल नहीं हुआ नेरीज ने कहा मैं अलग से रहूंगा तो नेरीज हो जाता है डायोशियस या फिर सेक्सुअल डायमोर्फिज्म ठीक है सेक्सुअल डायमोर्फिज्म शो करता है सेक्सुअल डायमोर्फिज्म शो करता है मैं इनका रिप्रोडक्शन आपको आगे दिखा रही हूँ एक लोकोमोशन की बात कर देती हूँ तो पूरे फाइलम में लोकोमोशन के लिए चार तरह के स्ट्रक्चर्स देखे गए पहला देखा गया इनके पास होगा सीटे बताती हूँ सीटे क्या आई एक्सप्लेन यू विद विद डायग्राम्स पहले सुन लो सीटे होते हैं इनके पास या फिर इनके पास होते हैं पैरा पोडियम ठीक है या तो सीटे होंगे या पैरापोडियम होंगे या फिर हो सकता है जैसे अर्थवम में होता है ज्यादातर कि वो अपनी बॉडी की मसल्स की मदद से मूव करता है बॉडी की मसल्स मूव करने में हेल्प करती अर्थवम को सो इट हेल्प इट टेक्स हेल्प ऑफ मसल्स ठीक है और इसके अलावा अगर आप लीच की बात करोगे तो लीच में क्या होता है सकर सकर होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो इट हैज सकर तो ये चार चीजें आपको लोकोमोशन में याद रखनी है और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये दोनों में आपको बना के बता रही हूं अभी लेकिन अभी ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी है ना सबसे पहले डाइजेशन कैसा है कंप्लीट माउथ और एनस प्रेजेंट है कंप्लीट डाइजेस्टिव मतलब सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल अलग से प्रेजेंट है रेस्पिरेशन स्किन से क्यूटेनियस से हो जाता है एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडियम नाम का सेल प्रेजेंट है जो एक्सक्रीशन भी कराएगा यानी वेस्ट रिमूवल भी करेगा और ऑस्मो बॉडी के अंदर भी बैलेंस मेंटेन करके रखेगा सर्कुलेशन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड ऑलवेज फ्लोज इन साइड वेसल कभी भी ब्लड वेसल से निकलकर ब्लड बाहर नहीं आता सो ब्लड रहेगा इसमें हार्ट रहेंगे और हार्ट कैसा रहेगा फोर चेम्बर हार्ट में देखा गया है और नर्वस सिस्टम पर आओ तो सॉलिड वेंट्रल सॉरी नर्वस सिस्टम पर आओ तो वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होती है ठीक है चलिए अब मैं आपको रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन बताती हूँ तो सबसे पहले हम लोकोमोशन की अगर बात करें सबसे पहले अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए मैंने आपको चार, चार अलग-अलग स्ट्रक्चर्स बताए और एग्जांपल्स मैंने आपको तीन लेने को बोला है तो अस मेक अ कॉलम फॉर दिस अस मेक अ कॉलम फॉर दिस ठीक है यह पहलाइट क्यों ये सही नहीं है दिस इज दी फर्स्ट देन दें दर्ड ठीक है अब इसमें ये हम लोकोमो यहां पर हम क्या ले, ले लेंगे ऑर्गेनिजम्स ठीक है और हमारे पास चार ऑर्गन है लोकोमोशन के लिए तो ये इसी तरीके से आप भी याद करोगे ठीक है वन मिनट ओके दे स्टिल अ प्रॉब्लम इट right. ये एक ये दूसरा देन दी थर्ड वन ठीक है एक दो तीन चार ठीक है चलो ये हमारा हो गया कॉलम बना लिए हमने अब इसको हमें याद कैसे करना है एक साइड हम क्या ले लेंगे सारे ऑर्गेनिजम्स यानी ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास है नेरीज ठीक है ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या है नेरीज है नेरीज के साथ साथ हमारे पास है अर्थवम और हमने वही एग्जांपल्स लिए ऑर्गन्स क्या क्या बनते हैं तो लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया सीटे फिर मैंने आपसे कहा सीटे के बाद पैरापोडियम फिर मैंने कहा मसल्स हैं इसके पास और फिर मैंने आपको बताया कि होते हैं ठीक है तो सबसे पहले समझो सीटें क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आ, नेरीज ले लूं या मैं अर्थवम ले लूं तो दोनों में ही सीटें देखे जाते हैं पहली बात तो ये दूसरा अगर मैं नेरीज का एग्जाम्पल लूं तो नेरीज दिखने में ऐसी कुछ दिखती है ऐसी नेरीज दिखती है यहां पर नेरीज का जो है हेड है। ठीक है तो हेड से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे निकले होते हैं जिनको हम पाल्प बोलते हैं पाल्प बोलते हैं जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिर इसके पास होती है आइज आइज होती हैं वो भी डबल पेयर ऑफ होती हैं मतलब एक साइड आर पेयर ऑफ ठीक है एक जगह दो आईज दिखती हैं दूसरी जगह दो सो टोटल इसके पास दो पेयर ऑफ आईज होती हैं ठीक है ठीके? इसके बाद इसकी बॉडी में आपको कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऐसा ठीक है ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लाइक like दिस तो ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर है अगर मैं इसे एनलार्ज करके देखना चाहूं अगर मैं इस कोनिकल स्ट्रक्चर को निकाल लूं और एनलार्ज करके देखू तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है जो सेल से जुड़ा है और इसमें ऐसे कुछ रेशे धागे धागे जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं तो ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है ये होता है पैरापोडिया और जो रेशे रेशे जैसे स्ट्रक्चर निकले हैं वो होते हैं सीटे सीटे आर प्रेजेंट इन साइड दॉडी ऑफ दिच हेल्प इट टू मूव सीटे क्या करता है मूव करने के लिए हेल्प करता है तो ये जो पैरापोडियम है सॉरी ये जो Uh, नेरीज है नेरीज में पैरापोडियम और सीटे दोनों प्रेजेंट होते हैं ठीक है नेरीज में पैरापोडियम और सीटे दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इसको मेंशन कर लो दैट इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर गई इससे लिख देती हूं तो पैरापोडियम भी प्रेजेंट रहेंगे पैरापोडियम भी प्रेजेंट और सीटे भी नेरीज में प्रेजेंट रहेंगे दोनों बना के बताए हैं प्रेजेंट और मसल्स हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मसल्स मिलेंगी तो मसल्स भी प्रेजेंट बट ये जो हमारी नेरीज है इसको कहीं भी पैरासाइट बनने की जरूरत तो है नहीं तो इसको चिपकने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी तो आराम से फ्री लिविंग होती है तो इसमें सकर नहीं होंगे सकर क्या होता है सकर इज दिस इज अ स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा चिपक जाएगा जैसे आप लीच को देखोगे तो मैंने आपसे कहा था एलिफेंट यासिस के ट्रीटमेंट में लीच को यूज किया जाता है क्या होता है मान लो एलिफेंट यासेज यहाँ पे हुआ है ठीक है तो ये पैर है मान लो इसमें एलिफेंट यासेज हो गया अभी क्या करेगी लीच आएगी लीच यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगी और यहां से ब्लड सक करेगी और लीच की बॉडी में आगे और पीछे दोनों साइड सकर होते हैं अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी ठीक है लेकिन नेरियस की बॉडी में सकर्स नहीं होते सो यहां पर एबसेंट यहां पर क्या लिख लोगे लो गेरियस की बॉडी में सीटें है पैरापोडियम है और मसल्स है लेकिन ये जो सकर्स हैं ये एबसेंट ठीक है आगे चलो अर्थवर्म की बॉडी में अर्थवर्म जो होता है बेसिकली अर्थवर्म का पूरा का पूरा जो मूवमेंट है अर्थवर्म जैसे मूव कर रहा है तो अर्थवर्म के मूवमेंट के लिए उसको उसकी मसल्स हेल्प करती हैं आपने देखा है अर्थवर्म को कभी चलते हुए वो अपनी बॉडी आगे फेंक कर आगे फेंक कर चलता है ठीक है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक तो पूरा का पूरा ने लिक्विड भरा हुआ है दूसरा इसके पास मसल्स है जो इसको हेल्प कर रही है मूव करने के लिए तो पैरापोडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी पैरापोडियम की जरूरत पड़ती है ये जो पैरापोडियम है पैरापोडियम है इसकी जरूरत पड़ती है स्विमिंग के लिए तो नेरी पानी में थी इसको स्विम करना था इसलिए पैरापोडियम है लेकिन अर्थवर्म को तो स्विम नहीं करना तो पैरापोडियम रहेंगे और क्या प्रेजेंट रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे तो सीटें प्रेजेंट है अर्थवर्म की बॉडी में आप बोलोगे मैडम हमने अर्थवर्म की बॉडी में सीटे कभी देखे ही नहीं अब ध्यान देना सीटें होते हैं बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक जो हमें नहीं दिखते पैरापोडियम होते हैं हैंट जो भी चीज एबसेंट हो उसे अलग कलर से लिखना तो याद रहेगा किसमें क्या है पैरापोडियम इसके पास नहीं होते सकर्स भी नहीं होंगे क्योंकि इसको कहीं पर भी चिपकना तो है नहीं ये तो फ्री लिविंग है तो ये भी नहीं होगा ठीक है और क्या होगा <laughs> बॉडी बिल्कुल प्रेजेंट है उसी की मदद से चल रहा है ठीक है आगे बढ़ो लीच पर आओ तो लीच की अगर आप बॉडी देखोगे तो लीच की बॉडी कुछ ऐसी होती है लीच की बॉडी कुछ ऐसी होती है ऐसी ठीक है तो यहाँ पर भी इसमें सकरस होते हैं और यहां पर भी इसमें सकरस होते हैं मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ लीच की बॉडी में सकरस की देखो ये लीच की बॉडी है इस लीच की बॉडी में यहां पर भी सकर है ये एक एक्चुअली स्किन के ऊपर ही बैठी है एक ह्यूमन uh, बीइंग के स्किन के ऊपर ही लीच क्या हो गई है चिपक गई है कैसे चिपकी अपने सकर्स वो यहां पर स्किन में गड़ा लेती है और ऐसे ही इसके पास यहां पर भी होते हैं तो ये भी स्किन में गड़ा लेती है और जब मूव करती है तो कैसे मूव करती है देखो एक सकर यहां गड़ा हुआ है एक सकर यहां गड़ा हुआ है स्किन के अंदर तो ये मूव करेगी तो कैसे करेगी ऐसे ऐसे मूव करेगी

एपसेंट और पैरापोडियम भी एबसेंट और मसल्स मसल्स प्रेजेंट है सकर्स प्रेजेंट है सो इट हैज मसल्स विच आर प्रेजेंट एंड इट हैज सकर्स विच आर आल्सो प्रेजेंट ये दोनों चीजें प्रेजेंट है

कुछ होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल इस तरीके से ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल के ऊपर कुछ होंगी सर्कुलर मसल के बैंड तो इट हैज बोथ एज एज वेल सर्कुलर मसल और सर्कुलर मसल दोनों होती हैं जो बॉडी को मूव करने में हेल्प करती हैं अर्थवम में और अर्थवम को ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही चाहिएगा उसे लैंड पर रख कर कुछ तो सपोर्ट चाहिए ऐसे पूरे टाइम कैसे वो रेत में या मिट्टी में कैसे वो पूरे टाइम ऐसे ही चलता रहेगा मसल्स की मदद से उसको कुछ तो चाहिए होल्ड करने के लिए है ना फ्लोर पर फ्लैट सरफेस के ऊपर उसको कुछ तो चाहिए होल्ड करने के लिए तो वो होल्ड करने के लिए उसके पास क्या होते हैं उसके पास होते हैं ये सीटें ठीक है बट पैरापोडियम की जरूरत नहीं है पैरापोडियम सिर्फ वहां होगा जहां पर स्विमिंग करनी हो पैरापोडियम सिर्फ वहां प्रेजेंट होगा जहां पर क्या करना हो स्विमिंग करनी हो वहीं पर प्रेजेंट होगा ठीक है सो पैरापोडियम इज ओनली प्रेजेंट इन दिस इन दोनों को स्विम नहीं करना होता ना लीच को ना अर्थवम को सभी आप देखोगे तो सिर्फ लीच में प्रेजेंट है बाकी दोनों में है, क्योंकि बाकी दोनों को सक का काम कुछ करना ही नहीं है कुछ सक नहीं करना है. लेकिन लीच के पास जो सकर है मदद करती है इसका खाना खाने में क्योंकि लीच का खाना होता है ह्यूमन का ब्लड और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ब्लड खाते हैं ब्लड को खाते हैं ठीक है उन्हें हम क्या बोलते हैं टेक्निकली अब मम्मी अगली बार बोले कि तुम बहुत खून पीते हो तो कहना मम्मी ऐसा मत बोलो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं मुझे बोलो कि सैग्वी वोर हूं थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करूं मेरे से मैं क्या हूं सैंग्वी वोर सो लीच इज इन नेचर एंड दैट इज ने इट इज गोइंग टू हैव इट इज सैंग्वी वोर कैसी होती है सैंग्वी इसीलिए इसके पास सकर्स प्रेजेंट है ठीक है तो ये लोकोमोशन के ऑर्गन्स हो गए फटाफट से बना लो इस टेबल को ऐसे ही बन गया ऑल राइट right. आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है चाहे अर्थवम हो चाहे लीच हो या नेरीज हो। तो मैं आपको इनके रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होते हैं वो बता देती हूँ रिप्रोडक्शन और हमें तीनों में रिप्रोडक्शन देखना है हम वैसे ही डिवाइड कर लेंगे तीनों में रिप्रोडक्शन देखने के लिए ठीक है अब देखो इसमें होगा क्या एक साइड हम ले लेते हैं रिप्रोडक्शन uh, हम देख रहे हैं तो एक साइड हम ले लेते हैं यहां पर मान लो हम अर्थवर्म ले ले लेते हैं ठीक है यहां पर हमने अर्थवर्म ले लिया यहां पर हमने नेरीज ले लिया और यहां पर हम ले लेंगे लीच ठीक है तो नेरीज लीच और अर्थवम का रिप्रोडक्शन देखते हैं जो होते है, होते हैं, हैं वो एक्चुअली में हर्माफ्रोडाइट कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है हर्माफ्रोडाइट है मतलब एक ऑर्गेनिज्म में, में मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है नाउ दिस इज वन अर्थवम दिस इज वन अर्थवम एंड दिस इज अनदर अर्थवर्म ये दो अर्थवर्म है हमारे पास ठीक है दूसरा अर्थवर्म मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ दिस इज अनदर अर्थवर्म ठीक है तो ये इस अर्थवर्म की बॉडी में इसके सेगमेंट्स दिख रहे हैं ठीक है और ये इस अर्थवम की बॉडी के सेगमेंट्स दिख रहे हैं अर्थवर्म को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी इसलिए बहुत ज्यादा अभी नहीं बता रही हूं लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा आउटर स्ट्रक्चर होता है बॉडी के ऊपर में ठीक है तो ये ये क्या के ऊपर जो कुकून कहलाता है और जैसे होता है ना घरों के बाहर एक, एक गैराज होता है या फिर कोई शेड वाला रूम होता है ऐसा रूम समझ लो जो बॉडी के मतलब बॉडी के घर के बाहर है ठीक है लेकिन है एक रूम ही तो कुकून इसकी बॉडी के बाहर का स्ट्रक्चर है अब इसमें होता क्या है इसके अंदर ये अपने मेल गेमिट इसको दे देगा और ये अपने मेल गेमिट इसको दे देगा दोनों में आपस में मेल गेमिट का एक्सचेंज हो गया अच्छा इसके पास मेल गेमिट भी प्रेजेंट है दोनों के पास ठीक है सो दे आल्सो एंड आल्सो दे हैव फीमेल गेमिट तो इसके पास फीमेल गेमिट भी प्रेजेंट है

फर्टिलाइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं पर भाई ये बात ध्यान रखो कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो एक बॉडी से बाहर एक रूम में हुआ है तो हमने उसे बॉडी के अंदर नहीं किया इसलिए बोला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है दूसरा दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म भले ही ये हर्माफ्रोडाइड है ने, तो मे, इनमें मेल और फीमेल दोनों गैमिज प्रेजेंट है लेकिन हमेशा नेचर क्या बोलता है नेचर क्या चाहता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो तो वेरिएशन होंगे तो इट इज गोइंग टू हैव क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन कोई लार्वा नहीं बनता अर्थफॉर्म में ठीक है कोई लार्वा नहीं बनेगा सीधे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा तो ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेरीज पर आ जाओ नेरीज की बॉडी कुछ ऐसी होती है नेरीज की बॉडी कुछ ऐसी होती है ठीक है सही नहीं बना है ऐसी बॉडी होती है नेरीज की ठीक है और इसमें इसके ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से यहां पर पेयर ऑफ आईज रहे होंगे यहां पर इसके पैल्प रहे होंगे ठीक है और यहां पर इसके पैरापोडिया रहे होंगे ऐसे पैरापोडिया में सीटें लगे होंगे ऐसी होती है नेरीज की बॉडी ठीक है अब नेरीज भी करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन इसका ब्रीडिंग सीजन होता है अपना इसका ब्रीडिंग सीजन होता है ब्रीडिंग सीजन और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका अपना ब्रीडिंग सीजन होता है यानी कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर सकते हैं उनके पास टेम्पररी टेस्टिस और ओवरी डेवलप होते हैं तो ये क्या करते हैं अपने पास टेस्टिस और ओवरी डेवलप कर लेते हैं टेंरी टेस्टिस और ओवरी डेवलप कर लेते टेम्प्ररी टेस्टिस और ओवरी डेवलप्स अब क्या होगा कि ये जो अपने गेमिट्स हैं उन गेमीट्स को ये रिलीज करते हैं बॉडी की खाली जगह में बॉडी की खाली जगह एम्प्टी स्पेस कौन सी होती है बॉडी की कैविटी कौन सी होती है सीलोम होती है तो ये अपने गेमिट्स रिलीज करते हैं कहां पर सीलोम में ठीक है और रिप्रोडक्शन करने के बाद

ठीक है पहले अपने बरो में बैठा रहता है बरो से निकल के पानी में जाए बरो मतलब क्या होता है वो मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गड्ढा बनाएगा उसके अंदर बैठा रहेगा बैठा रहेगा जब इसका ब्रीडिंग सीजन आएगा पानी से बाहर निकलेगा बाहर आने के बाद अपनी नीचे वाली बॉडी में से इसको गैमीट रिलीज करने तो ये क्या करेगा कि इसके गैमीट्स मान लो ये इसकी बॉडी है ठीक है और इसकी बॉडी में यहां पर अपन इसे हटा लेते हैं कि इसकी बॉडी में हमें सीलोम देखना है ना ये हमने हटा लिया सो वी हैव दिस सीलोम इन दी बॉडी ठीक है अब ये इसकी बॉडी का सीलूम, ये बॉडी है ठीक है और ये एलिमेंट्री कैनाल रही होगी ये यहां पर एलिमेंट्री कैनाल रही होगी ऐसे पर बाकी जगह में क्या होगा इसके गैमिट्स रिलीज हो जाएंगे तो ये यहां पर टेम्परे टेस्टीज बनाकर क्या करेगा अपने गैमिट रिलीज कर देगा ऐसे ठीक है दूसरी वाली नेरीज में भी ऐसा ही हुआ होगा तो एक नेरीज ये वाली आएगी एक नेरीज ये वाली आएगी दोनों अपनी अपनी आधी बॉडी को डिजनरेट करेंगे आधी बॉडी को डिजनरेट करेंगे और अपने अपने गैमिट्स पानी में रिलीज कर देंगे ये इसने अपने गैमिट रिलीज करे ये इसने अपने गेमिट रिलीज करे और पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसीलिए इसे कहते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ठीक है और यहां पर फॉर्म होगा लार्वा यहां पर बनता है लार्वा तो आपको पता है कौन सा लार्वा बनता है द लार्वा विच इज फॉर्म इज दोकोफोर लार्वा कौन सा ट्रोको फोर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा बन जाता है ठीक है तो यहां पर अगर कभी भी हमें लार्वा देखने को मिल जाए तो उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं अगर हमें कभी भी लार्वा देखने को मिल जाए तो उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है ठीक है और जैसा अर्थफॉर्म में होता है बिल्कुल वैसा ही लीच में भी होता है फिर लीच के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा सॉरी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा ठीक है सबसे पहला क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अच्छा क्रॉस फर्टिलाइजेशन से भी पहले ये पता होना चाहिए लीच भी क्या है हर्माफ्रोडाइट है हर्माफ्रोडाइट और हर्माफ्रोडाइट होने की वजह से इसकी बॉडी में दोनों प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इन वन बॉडी ठीक है तो दोनों क्या करेंगे वही क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेंगे ठीक है एक लीच ये है दूसरी लीच ये है दोनों क्या करेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे दोनों क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे जैसा इसमें चलता है बिल्कुल वैसा ही तो यहां पर ये दोनों प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके हो रहे हैं नेरीज में कुछ एक अलग प्रोग्राम हो रहा था सोचो नेरीज में क्या होता है ये एक नेरीज आई ये दूसरी नेरीज आई दोनों की आधी-आधी बॉडी टूट गई आधी-आधी बॉडी टूट गई <coughs> और जब ये आधी आधी बॉडी टूट गई तो टूटने के बाद इसने क्या रिलीज कर दिया दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस बाहर फर्टिलाइजेशन हो गया बॉडी से फिर एक लार्वा बन गया लार्वा का नाम क्या है ट्रोकोफोर लार्वा ठीक है तो इसे नोट कर लो नोट डाउन दिस इज इम्पोर्स डन ओके तो यहां पर ये पूरा हो गया एक चीज इसमें जरूर लिख लेना यहां पर कोई लार्वा नहीं बनाता इसलिए इसे मेंशन कर लेना कभी बाद में आपको डाउट ना आ जाए नो लार्वा इज फॉर्म डेयर नो लार्वा इज फॉर्म डेयर लार्वा सिर्फ नेरीज में बनेगा लीच में भी कोई लार्वा नहीं बनेगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ और बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है एक ये डिफरेंस है यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ था यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा

अब मुझे एक चीज और बतानी है मैंने आपसे कहा कि ये जो नेरीज है जब ये रिप्रोडक्शन करती है जब इसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो इसकी ऊपर की और नीचे की बॉडी अलग अलग दिखने लगती है क्योंकि नीचे की बॉडी में टेम्पररी टेस्टीज या ओवरीज फॉर्म हो चुके होते हैं तो ऐसे में जब इसकी बॉडी अलग अलग दिखती है तो उसका नाम होता है एटोक और एपिटोक नाम कैसे कैसे पता चलेगा मान लो ये बॉडी है ठीक है इस बॉडी में हमें ऊपर की बॉडी अलग दिख रही है और नीचे की बॉडी अलग दिख रही है नीचे की बॉडी में क्योंकि टेम्पररी टेस्टीज और ओवरी डेवलप हुए ऊपर की बॉडी को हम बोलते हैं एटोक और नीचे की बॉडी को हम बोलते हैं एपिटोक कहा लिखो यहां लिख दे रही हूं नीचे की बॉडी को हम बोलते हैं एपिटोक बस एक ये वर्ड याद रखना है इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा ठीक है तो दो चीजें तीन चीजें ऐड करनी है इसमें नो लार्वा इसमें भी नो लार्वा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐड कर लेना और यहां पे एटोक और एपिटोक कहलाता है जानकारी होनी चाहिए ठीक है कर लिया ओके सो दिस इज इट रिप्रोडक्शन हो गया ये सारे सिस्टम्स हमने पढ़ लिए मैंने आपको लोकोमोशन भी बता दिया लोकोमोशन का भी आपने लिख लिया था नहीं लिखा है तो लिख लो डन ओके तो यहां पर हमने इन, इन सारे सिस्टम्स को कर लिया कंप्लीट अब एक बार ही इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है हमारे पास बॉडी कैसी होती है इलांगेटेड होती है सेगमेंटेड होती है चाहे नेरीज की बॉडी देखो तो नेरीज की बॉडी ऐसी दिखती है ठीक है और ऐसे ऐसे उसमें सेगमेंट्स होते हैं और पैरापोडिया ऐसे होते हैं ऐसे पूरी बॉडी में होते हैं पूरी बॉडी में और यहां पे पाल्प्स यहां पे और पे पे होते हैं, माउथ होगा, दो आईज होंगी टू पेयर ऑफ आईज सो दिस इज नीरिज तो नेरीज की बॉडी भी समवॉट वॉट लॉन्गिट्यूडनल और सेगमेंटेड है अर्थवम तो आप जानते ही हो अर्थवम अर्थवम जो है वो तो आपको मालूम ही है ऐसा अर्थवर्म होता है और इसकी बॉडी में भी सेगमेंट्स होते हैं ये एक बीच में बड़ा सेगमेंट होता है उसको क्लाइटेलम बोलते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे अर्थवर्म को डिटेल में पढ़ेंगे तब तो अर्थवर्म की बॉडी भी ऐसी दिख रही है ये हो गई अर्थवर्म की बॉडी अब अर्थवर्म के बाद अगर आप लीच की बॉडी देख लो तो लीच की बॉडी भी ऐसी ही होती है ऐसी दोनों साइड सकर प्रेजेंट है यहां पर भी और यहां पर भी और ये इसकी बॉडी में भी सेगमेंट्स होते हैं इस तरीके से ठीक है सो ऑल ऑफ देम हैव लॉन्ग इलांगेटेड एंड सेगमेंटेड बॉडी इसके बाद लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया प्रेजेंट है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन तो मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको निकालोगे तो ये ऐसा दिखेगा और इसमें नीचे सीटें होंगे सो दिस इज पैरापोडियम ठीक है पैरापोडियम जो है वो किस चीज के लिए हेल्प करता है It helps in swimming. Swimming. तो, तो नहींज तो के पास पैरापोडियम होंगे लेकिन अर्थवर्म के पास क्या होगा अर्थवर्म के पास सीटें होंगे और जो लीच है उसके पास क्या होगा सकरके पास होंगे, ठीक है आगे बढ़ो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, होता है, है। वो कंप्लीट यानी इसकी डाइजेस्टिव कैनाल सब में ऐसे प्रेजेंट होगी यहां पर माउथ ये डाइजेस्टिव कैनाल, ये, ये ऐसी डाइजेस्टिव कैनाल होगी तीनों में ठीक है सो इट मैंने आपको बता दिया कुछ लिखना बताना है लिख सकते हो वैसे मैं लिखवा चुकी हूं आगे चलो नेक्स्ट टरी सिस्टम में इसके पास ब्लड वेसल्स होती है मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में ही हमेशा ब्लड फ्लो करेगा तो हमने क्या बोला कैसा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है और मैंने आपको यह भी बताया था कि कुछ हमारी बॉडी में जैसे हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता होता है है इनके इनके पास भी होता है। तो इनके पास क्या क्या है देखो सर्क्यूलेट्री सिस्टम में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है तो वो कैसा है क्लोज है यानी कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में ही फ्लो करेगा आप तो याद हो जाना चाहिए दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है तो कैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या फिर

पूरा ब्लड जो है वो ऑर्गन के पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए तो लीच में ऐसा देखा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें सो दे हैव ट्यूब्स और कॉइल्ड ट्यूब्स या फिर होते हैं जो वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों काम करते हैं सो इट परफॉर्म्स एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन नेक्स्ट अगर आप नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो नर्वस सिस्टम मैंने आपसे कहा था वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड होती है सो दे हैव डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है सिस्टमिया so, का मतलब है एक एक देखो से से ऐसे बनेगा, एक यहां से ऐसे बनेगा बनेगा जो head portion में present होगा और फिर ये गैंग्लिया इस तरीके से दो कॉर्ड बना लेगा ठीक है ये इस तरीके से दो बना लेगा ठीक है और इन कॉर्ड्स के ऊपर ट्रांसफर्स सेक्शन में भी न्यूरॉन इस तरीके से प्रेजेंट होंगे ऐसे भी प्रेजेंट होंगे ऐसा ठीक है सो so, यहां पर

फिर ये नर्व एंडिंग्स होती हैं ये है हमारा साइटोन बहुत सारे मैं न्यूरॉन्स एक साथ ले लूं तो जैसे गुलदस्ता बनता है तो रोज का जो वो अपर वाला पोर्शन है फूल का वो ऊपर रहता है है डंडी नीचे रहती है। पूरे गुलदस्ते में ऐसे ही होता है तो वो जो गुलदस्ता है जिसमें रोज 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 दिख रहे हैं वो हमारे क्या है है और नीचे उसकी डंडी तो वो है हमारे बस ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ये और इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ठीक तो ये हो गया इनका नर्वस सिस्टम अब अच्छा वैसे पूछेंगे नहीं पर मान लो कभी पूछ लिया तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप नेरीज को देखोगे नेरीज को देखोगे तो नेरीज में एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको पाल्प बोलते हैं पाल्प किस लिए प्रेजेंट होता है सेंसरी ऑर्गन होता है नेरीज के पास ये सेंसरी ऑर्गन का मतलब ये है कि आगे आसपास जब ये नेरिस चलती हुई जा रही होगी तो आसपास इसको कुछ भी अगर होगा कि मुझे किसी चीज से लगने वाली है या कोई एनिमी आ रहा है कोई पत्थर आ गया कोई और ऑर्गेनिज्म आ गया तो वो उसको सेंस करके ना जाए उस रास्ते पर तो सेंस के लिए होता है इसके पास नेरिज के पास पाल्प विच इज अ सेंसरी ऑर्गन ठीक है चलिए रिप्रोडक्शन की बात क्या है कि अर्थवम और लीच दोनों मोनोएशियस हैं और नेरीज डायओशियस है अर्थवम और लीच को हमने या तो हम कह दें कि अर्थवम और लीच दोनों या तो हम कह दें कि मोनोएशियस है या हमने क्या कह दिया कि दे आर हर्मा फ्रोडाइट हर्मा फ्रोडाइट और हमने क्या बोला था कि नेरीज जो है वो डायोशियस है या फिर वो शो करती है सेक्शुअल डायमोरफिजम यानी मेल और फीमेल अलग अलग सेक्शुअल डायमोर्फिज्म, ठीक है मेल और फीमेल अलग अलग ओनली सेक्शुअल रिपोर्डक्शन इन एनलिज नो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है मैंने तीनों के सेक्शुअल रिपोर्डन आपको बताए हैं पर इसमें कोई भी एसेक् मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अब देखने को नहीं मिलेगा इस फायलम में एग्जाम्पल्स देखोगे तो एनसीआरटी कहती है नेरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है Sandworm कहते हैं फेरेटीमा अर्थवर्म को कहते हैं अर्थवर्म को टेक्निकली फेरेटीमा कहते हैं होती है ब्लड सकिंग लीच तो ये तीनों जो आपको यहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं ये तीनों एक्षाम्पल वो हैं जो तीनोंगल एनसीआर बुक में दिए हुए हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर ये तीनों को ही मैंने आपको समझाया है ठीक है और इन्हीं के बारे में एनसीईआरटी ने बात करी है नेक्स्ट देर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी अगर आप नेरीज को देखोगे तो नेरीज़ में क्या फॉर्म हो जाता है लार्वा इज फॉर्म्ड लार्वा इज फॉर्म्ड और कौन सा लार्वा होता है सो so द लार्वा द नेम ऑफ द लार्वा इज ट्रोकोफोर लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा कौन सा लार्वा बनेगा ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा ये लिख लिया ठीक है डन ऑल राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, Next है एनालिट्स की कुछ क्लासेस तो बेसिकली फाइव क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं में तीन क्लासेस ही बताई गई हैं तो पहली क्लास होती है पॉलीकीटे ठीक है जिसमें से पॉलीकीटे का अगर मैं मतलब निकालूं देखो ये है ना नेरीज है ठीक है ये नेरीज है अब नेरीज का ये फेस है ये हेड है मतलब और ये इसका टेल का पोर्शन है अब आप इसको निकाल के देखोगे तो यहां पर ये छोटे ट्रेंगुलर पोर्शन पर रेशे जुड़े हैं तो ये बॉडी और ऊपर वाली बॉडी थोड़ी थोड़ी अलग दिख रही है।, है उसके बाद ये पैरापोडियम दिख रहे दिख रहे हैं तो भाई अगर मैं इस वाली फाइलम का नाम ले लू पॉलीकीटे पॉली कीटे पॉली कीटे ठीक है तो पॉली कीटे का मतलब क्या होता है समझो समझो जरा पॉली का मतलब होता है मैनी और कीटे का रेफरेंस है सीटा से ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारे सीटे प्रेजेंट हो तो पॉली कीटे नाम वहां से आया है एग्जाम्पल है नेरीस क्लाम एफ्रोडाइट एंड केटोप्टे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉमनली आर्ज है नेरीज का तो नेरिस का ये डायग्राम है और इसमें पॉली कीटे आपको दिख रहे हैं अलग 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 है ना ये रेशे रेशे दोनों साइड दिख रहे हैं यहाँ यहाँ पर भी दिख रहे हैं ये रेशे दिख रहे हैं ये यह यहाँ पर भी दिख रहे हैं रेशे ठीक है तो ये जो रेशे रेशे जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज हेल्प इट टू मूव देन वी हैव का एग्जाम्पल है ट्यूबी फैक्स एंड मेगा स्कोलेक्स तो मेगास्कोलेक्स इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है इसके बाद हिरुड में देखोगे अगर लीच वाले में तो हिरुडो हिरुड एंड पेंटो पेंटोबिडेला पेंटोबिडे तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है पेंटोबिडेला इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन एरिया इंपॉर्टेंट है जो हम लीच को बोलते हैं तो एरिया इसमें याद रखना है एक एक एग्जाम्पल तीनों में याद रखना है तो आज का आपका जो सेशन का होमवर्क है जो आपको कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना है वो क्या है द द्लासेज ऑफ द दिस्ट सबसे पहले लिखो पॉलीकीटे poly... सबसे पहले लिखो पॉली पहले ऊपर हेडिंग डालना क्लासेस क्लासेस के नीचे पॉलीकीटे पॉलीटिक पॉलीकीटे के सामने उसका एग्जाम्पल दैट इज ने दूसरे नंबर पर ऑलीगो कीटे जिसमें थोड़े कम कीटे यानी कम सीटें प्रेजेंट हो तो ऑलिगो कीटे उसमें एग्जाम्पल लिखो मेगा, मेगा लिखोडीनिया हिरोडिनिया, हिरोडिनिया में एग्जाम्पल लिखोन लीच ठीक है ये इतनी बात समझ में आई अभी खत्म नहीं हुआ पांच क्लासेस है तीन का आपके एनसीईआरटी में, में, में है, दो का नहीं है पर पता होना चाहिए नेक्स्ट है आर्केएन का एग्जाम्पल है डिनोफाइलस एंड पॉलीगॉडियस डिनोफाइलस एंड पॉलीगॉडियस तो फोर्थ नंबर पे लिखो आर्किनिडेलिया आर्किनिडेलिया में लिखो डिनोफाइलस ठीक है उसके बाद फिफ्थ क्लास जो है फिफ्थ क्लास है एक्यूरिडा इसका एग्जाम्पल है बोनेलिया एंड इकाइरियस, तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे बोनेलिया लिख सकते हो ये दोनों जो क्लासेस हैं ये कम पूछी जाती हैं कम इंपॉर्टेंट है लेकिन बाकी तीनों क्लासेस जो यहां पर मैंने आपको बताई ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं तो इन तीनों को जरूर से याद कर लेना इन तीनों के नाम दीज थ्री क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आगे दो में से मतलब उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनका इंपॉर्टेंस बस फाइलम तक का ही है लेकिन पूछने में ये तीनों ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इन तीनों से एक एक एग्जाम्पल लेके पढ़ाया गया ठीक है पॉलीकीटे में नेरीज पढ़ लिया ओलिग्यटे में हमने और पढ़ लिया Herodinia में हमने हमने लीच पढ़ ली तीनों के, -के हमने पढ़े हैं ठीक है चलिए लिख लिया ऑल राइट right. ये वाली दोनों फाइलम्स लिख ली गुड चलिए तो यहां पर हमारा ये जो सेशन है का ये होता है खत्म इसे हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है उम्मीद करती हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आप इन सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं तीन जगह पर कहा पर आप रिवाइज कर सकते हैं इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इसे रिवाइज कर सकते हैं हमारे वन सेकेंड चैनल चैनल पर तो YouTube पर ठीक है तो देख देख सकते हो, देख सकते हो हो ऐप में या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का उसमें हमारे ये सारे टॉप कोर्सेज दिखते हैं चाहे वो सीबीएसई एनटीएससी हो ओलंपियाड हो सीयूईटी यू टी हो आई हो जेई ओ नीट हो नीट पे क्लिक करोगे तो आपको अपना पूरा सिलेबस दिखने लगेगा पूरे चैप्टर्स दिखने लगेंगे उनके पूरे टॉपिक्स दिखने लगेंगे तो आपको क्या करना है बस उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप जब चैप्ट uh, देखोगे तो उसके अंदर टॉपिक्स देखेंगे टॉपिक्स पर वॉच नाउ क्लिक करो वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हो 100 फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 100 फ्री ना तो आपको कुछ खरीदना है ना तो आपको कुछ खरीदना है ना कोई कूपन अप्लाई करना है जो करना है वो क्या है सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे इसके अलावा आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं यानी यूट्यूब पर तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है हर एक नोटिफिकेशन हर एक सेशन तक सेशन का आप तक जाएगा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम इन सब पर भी आप हमें मैग्नेट ब्रेन के जो प्रोफाइल हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रीन के पेजेस को फॉलो कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं हमारे साथ तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है वो क्या है लाइक जरूर कर देना है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को हर एक नोटिफिकेशन हर एक लेक्चर हर एक सेशन आप तक पहुंच जाएगा हर एक शॉर्ट ट्रिक हर एक गाइडेंस सेशन आपको मिलता रहेगा और इसे शेयर जरूर करना चाहे क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हो उनके साथ भी जरूर शेयर करना क्योंकि वो कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाते नाइन्थ में बहुत परेशान होते हैं ये वाले को पढ़ने के लिए तो उनके साथ जरूर शेयर करना और अपने वर्चुअल ग्रुप में भेजना बिल्कुल मत भूलना क्लास के फ्रेंड्स को जरूर भेजना मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक सो मच टेक केयर एंड कीप स्टिंग